सब्सक्राइब करें कृष्णा मैथ सॉल्यूशन क्लास 12 चैनल को एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ये है आपका एलएचएस में 4 इंटू साइन इन बस 1 अपॉन रूट 10 प्लस कॉस इन बस 2 अपॉन रूट 5। इसको प्रूफ करना है कि ये पाई के बराबर होता है। तो एलएचएस को लेते हैं हम, तो देखिए एलएचएस को लिख दिए हैं इतना। अब हमने क्या किया, साइन इन बस 1 अपॉन रूट 2 को कॉस में चेंज कर दिया। तो कॉस में चेंज करना आता है आपको, देखिए तो इसको हम साइन इन बस 1 अपॉन रूट 2 को कॉस में चेंज किया, आपका आ गया कॉस इन बस 3 अपॉन रूट 10, यानी साइन इन बस 1 अपॉन रूट 10 इज इक्वल टू कॉस इन बस 3 अपॉन रूट 10। ये जो है इसके बराबर है, इसके हम लिख दिए, ठीक है। यानी साइन इन बस अपॉन इसका आपका वैल्यू दिया है, तो इससे आप कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमने निकाल लिया है, ठीक है। और ये जो था वैसे ही हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 3 अपॉन रूट 10 और 2 अपॉन रूट 5 को अब क्या कीजिए, इसको एक्स मानिए और इसको वाई मानिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस इन वर्स एक्स प्लस कॉस इन वर्स वाई, ठीक है। तो फॉर्मूला पे कॉस इन वर्स एक्स प्लस कॉस इन वर्स वाई का फॉर्मूला होता है कॉस इन वर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। फोर ये हो जाएगा कॉस इन वर्स इस दोनों का प्रोडक्ट 6 अपॉन रूट 50 माइनस, इसका देखिए 10 माइनस 9 कीजिएगा ऐसे लीजिएगा, तो 10 माइनस 9 अपॉन रूट 10 हो जाएगा, इसका 5 माइनस 4 बाई 5, ठीक है। 6 अपॉन रूट 50 माइनस इसका लीजिएगा 10 माइनस 9 तो रूट 1, तो रूट 1 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 अपॉन रूट 10 हो गया। ये देखिए इसका भी हो जाएगा 1 अपॉन रूट 5, ठीक है हो जाएगा। अब देखिए आगे यहाँ से क्या हुआ, तो यहाँ पर बचेगा अब 6 अपॉन रूट 50 और यहाँ बचेगा आपका माइनस 1 अपॉन रूट 50। इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम तो आपका रूट 50 ही आएगा, ठीक है। देखिए रूट 50 आया एलसीएम, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा और अपॉन रूट 50, तो रूट 50 को हम रूट 25 गुना रूट 2 लिख सकते हैं, तो रूट 50 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और रूट 25 किसके बराबर होता है, 5 का स्क्वायर रूट है, तो 5 हो गया, ठीक है। इंटू रूट 2 8.5 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ रूट 2, तो देखिए रूट 2 बचा है। अब देखिए कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 2, एक वन बाई रूट टू किसका वैल्यू होता है, कॉस 45 का, तो कॉस 5 बाई 4 लिख दिया हमने। अब कॉस इन बस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 4 इंटू 5 बाई 4, देखिए बचा है 4 इंटू 5 बाई 4, 4 4 कैंसिल होगा तो बचेगा पाई, जो कि आपका आरएचएस है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस 2 साइन इन बस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, यानी एलएचएस हमको इतना आरएचएस लाना है। तो देखिए एलएचएस ये है आपका, अब देखिए हमने क्या किया है, एलएचएस लिख लिया इतना, 2 साइन इन बस एक्स को हमने थीटा माना है, ठीक है। देन 2 को इधर देन क्या किया हमने, 2 साइन इन बस एक्स का फॉर्मूला होता है क्या, साइन इन बस 2 एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 2 साइन इन बस एक्स इज इक्वल टू होता है साइन इन बस 2 एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आइए थीटा का थीटा लिख दिया, ठीक है। फिर साइन इन बस को इस साइड लाया, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा लिख दिया, बचा आपका 2 एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपका साइन थीटा का वैल्यू आपका निकल गया इतना, तो साइन थीटा का वैल्यू निकल गया, तो कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, कैसा निकलेगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ वैल्यू रखिए, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, टू ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 1 माइनस, इसका स्क्वायर करना है तो 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर उठ जाएगा तो बचेगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी साइन थीटा वैल्यू इतना है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे स्क्वायर कीजिएगा तो आपका इतना आएगा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इससे इस करेंगे तो प्लस 4 एक्स का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे पीछे लिखते हैं, तो पहले इसको लिख दिए, फिर सेकंड में 1 को और थर्ड में माइनस 4 एक्स स्क्वायर को, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये जो है आपका ये है 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, अंदर रोल जो है आपका है 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अगर आप इसको ए माइनस बी का फॉर्मूला आप इसको एक्सपेंड करते हैं यानी तोड़ते हैं, तो आपका फिर से ये इतने बराबर आ जाएगा, तो देखिए स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर है स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू आपका निकल गया इतना, तो थीटा का वैल्यू देखिए क्या आता है आपका, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा कॉस इनवर्स, साइड ले जाएंगे कॉस को, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
चूंकि देखिए टू साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू थीटा था, थीटा इजिकल कितना है, कॉस इनवर्स वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इतना लिख दिए, टू साइन इनवर्स एक्स जो था वो थीटा बराबर था, और थीटा के वैल्यू पर क्या आया है, कॉस इनवर्स वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, यानी थीटा जो है इसके बराबर है, तो इसके बराबर हमने लिख दिया, ठीक है। नाउ देखिए थीटा, तो नाउ एलसीएम में आइए, कॉस इनवर्स टू साइन इनवर्स एक्स, टू साइन इनवर्स को हमने क्या माना था, टू साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू क्या है, ये है। तो टू साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू इतना पुट करेंगे, तो देखिए पुट किए तो कॉस इनवर्स कॉस इंटू कॉस इनवर्स वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, टू साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू इसके बराबर क्या है, ये वाला है, इसके जगह हमने लिख दिया ये, देखिए तो कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, जो कि आपका आंसर है, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री, देखिए कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स इजिकल टू जीरो, ये हमको प्रूव करना है। तो एलसीएम देखिए आपका है ये, सेक इनवर्स एक्स प्लस को सेक इनवर्स एक्स इजिकल टू क्या था, पाई बाई टू, तो कॉस पाई बाई टू का वैल्यू क्या है, जीरो, इजिकल टू आर एच एस, प्रूफ हो गया, ठीक है। इसका और इसका ऐड करेंगे तो ये पाई बाई टू के बराबर होता है, ठीक है। तो कॉस इंटू पाई बाई टू, इसका वैल्यू पाई बाई टू लिख दिए, एक कॉस 90 यानी जीरो, आर एच एस, प्रूफ। क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए ये है आपका वन बाई टू, कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स बाई टू इजिकल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स बाई टू, ठीक है। इसको प्रूव करना है कि इतना इजिकल टू इतना इजिकल टू इतना, ठीक है। तो एल एच एस देखिए पहला आपका ये है, एल एच एस ये तो लिख दिए, इसको हम थीटा के बराबर मान लें, क्योंकि प्रत्येक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो एक थीटा होता है, यानी एक एंगल होता है, ठीक है। तो इसको वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू थीटा माने, देन इसका यहाँ से आप देखिए क्या हो जाएगा, वन बाई टू की साइड लेंगे तो टू थीटा हो जाएगा, हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू टू थीटा, ये उठ के इधर आ गया तो टू थीटा हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स एक्स। नाउ कॉस इनवर्स एक्स को इस साइड भेजेंगे तो एक कॉस थीटा हो जाएगा, और बचेगा यहाँ पे एक्स, एक्स इजिकल टू हो जाएगा कॉस टू थीटा, कॉस इनवर्स को भी इस साइड भेजें तो कॉस टू थीटा हो गया, और बचा इधर एक्स। नाउ एक्स इजिकल टू देखिए कॉस टू थीटा इजिकल टू क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा इजिकल टू होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। नाउ टू साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड लाइएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो टू साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव हो गया, और ये वन को एक्स को क्या कीजिएगा, इस साइड लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस हो गया, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू टू को फिर साइड लाइएगा तो क्या डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में है, बचा फायदा साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा सेक्स बाई टू। अब स्क्वायर रूट देखिए साइन स्क्वायर है, तो स्क्वायर को इस साइड लाइएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा ना, तो रूट वन माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा अब देखिए साइन इनवर्स को फिर इस साइड लाइए आर एच एस की ओर, तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन टू, ठीक है। यानी थीटा का वैल्यू निकला आपका साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स बाई टू, इसलिए चूंकि देखिए वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा माना है हमने, देखिए चूंकि वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, और थीटा इज इक्वल टू है साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स, इसलिए इज इक्वल टू लिख दिया हमने साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। यानी देखिए ये जो है ये इसका भाई, एग्जांपल बता रहा हूँ, ये इसका भाई और ये जो है इसका भाई है, तो ये भी इसका भाई होगा ना, समझ गए। यानी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये भी दोनों इक्वल होगा, ठीक है। इस हिसाब से एल एच एस इज इक्वल टू आपका एच एस प्रूफ, यानी इतना इज इक्वल टू इतना, ठीक है। आगे फिर से देख लीजिए अगेन एल एच एस, अब क्या किया कीजिए, अब इसको जो है हमने क्या माना था, अभी आर एच एस माना था, अब फिर इसको एल एच एस मानते हैं, ठीक है। इसको एल एच एस मानिए, तो देखिए माने माने हैं अगेन एल एच एस इज इक्वल टू इसको साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। इसको हम थीटा के बराबर मान लिए, देन साइन इनवर्स को इस साइड बचेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, बचेगा आपका इधर अंडर रूट वन माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू आपका निकल गया इतना, देन कॉस थीटा का वैल्यू निकलेगा कितना, तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे और उसका स्क्वायर कीजिए, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना, अंडर रूट है, तो स्क्वायर करना है इसको, तो रूट हो जाएगा तो बचेगा माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, वन माइनस एक्स अपॉन टू, ठीक है। इतना बचेगा इसका, क्योंकि स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर रूट हटेगा, हटेगा तो सिर्फ ही ना बचेगा ये वाला, तो वन माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे मुझे टू माइनस वन प्लस एक्स अपॉन टू, तो हो जाएगा आपका
स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स बाई 2, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू इतना। थीटा का वैल्यू अपन निकलता है यहाँ से, देखिए निकलेगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 2 थीटा का। देखते हैं अगर ये थीटा का वैल्यू निकल गया कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। नाउ LHS में आइए, चूंकि हमने साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स को थीटा माना है, थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 2, ये आपका प्रूफ हो गया कि इतना इज इक्वल टू इतना, ठीक है। अब आप अब जो है आपका इसमें टेन इनवर्स भी प्रूफ करना है, तो वो आप साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकल ही गया है, तो आप निकाल ही सकते हैं करके, तो वो आप खुद ही कर लीजिए। टेन थीटा का वैल्यू निकाल देना है, साइन बाई कॉस कर दीजिए, निकल जाएगा आपका। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका देखिए, पहला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यह है अपॉन वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नाउ देखिए, और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि मेरा वीडियो जो है उन सभी लोगों के पास पहुंच सके जो इस साल या नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। तो यह मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जरूर शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। कॉस इनवर्स देखिए, इसको हम कैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस इसको हम कॉस में चेंज कर सकते हैं, देखिए हम बताते हैं कैसे। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू मान लीजिए थीटा, देन कॉस थीटा में कैसे चेंज होगा कॉस इनवर्स में, तो इसको ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू एक्स, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा वैल्यू पुट कर दिए इसमें, तो 1 माइनस साइन थीटा कितना है एक्स, तो एक्स स्क्वायर, यानी कॉस थीटा इक्वल टू इतना, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। थीटा इज साइन इनवर्स एक्स, थीटा इज इक्वल टू थीटा है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, और थीटा इज इक्वल टू इतना, तो इसलिए साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी साइन इनवर्स की जगह हम इतना लिख सकते हैं, लिख देते हैं देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह हमने इतना लिख दिया कॉस के फॉर्म में, और इसको वैसे लिख दिया वाई के फॉर्म में। अब क्या कीजिए आप, देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप एक्स मान लीजिए, और इसको तो वाई का वाई है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट है तो स्क्वायर कीजिएगा, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो बचेगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। फॉर्मूला पर पुट कर दिया हमने, नाउ कॉस इनवर्स इसको पहले लिख दिया इसको पीछे, इसको देखिए इसमें इसमें क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 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 1 और प्लस 1 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो लिख दिया यहाँ बचेगा इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन बस आगे देखिए, इसको वैसे लिख दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा वैल्यू, एक्स हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको थीटा मान लिया है, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या कॉस साइड आएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, बचेगा इधर वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए कॉस थीटा का वैल्यू आपका इतना है, ठीक है, ये जो है आपका कॉस थीटा का वैल्यू है, देन साइन थीटा का वैल्यू हमको निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम पुट करते हैं इसको, कॉस थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू इतना, तो स्क्वायर करना है हमको तो स्क्वायर कर दिए, कॉस थीटा का वैल्यू इतना है ना तो इसका पुट कर दिया, स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं ए माइनस बी फॉर्मूला पे, देखिए इसको ए इसको बी मानिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी पे फॉर्मूला पे एक्सपेंड करते हैं, तो देखिए ए स्क्वायर माने करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी ए स्क्वायर हो गया, इसका बी स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस टू ए बी यानी 2 माइनस 2 ए बी,
अंडर रूट ये वाला मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस टू ए भी हो गया। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये वाई स्क्वायर से इसमें और एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई किए तो वाई स्क्वायर हो गया और ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर हो गया। इसमें इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस टू ए भी लिखा गया। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। अब हम क्या किए हैं, देखिए माइनस साइन जो है ना, ये माइनस साइन से इसमें सब में मल्टीप्लाई किया है तो साइन चेंज हुआ, माइनस वाई स्क्वायर हो गया। ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये माइनस था तो ये भी प्लस हो गया। ठीक है, इतना। नाउ आगे देखिए, अब देखिए वन को वन लिख दिया हम, एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिए, माइनस वाई स्क्वायर को बाद में लिखे हैं। आइए देखिए प्लस टू एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिए, सेकेंड लास्ट में लिखे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो ऐड हो जाएगा तो टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये टू ए बी, ठीक है, इतना हो जाएगा। यानी अगर हमने कुछ नहीं किया है, आगे पीछे करके इसको लिख दिया है, जो जुड़ने वाला था उसको जोड़ दिया है। देखिए वन इसको और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको लिख दिया, फिर ये वाला था इसको लिख दिया, इन दोनों को जोड़ के लिख दिया और ये टू ए बी उसको लिख दिया। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू आपका इतना हो गया। नाउ आगे देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए ये जो है आपका, ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है आपका, वो जो है ये एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है, एक्स वाई यानी इसको आप एक्स वाई को ए मान लीजिए और ये बी मानिए इसको, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। जब आप इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे फॉर्म में इसको तोड़िएगा तो आपका इतना आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया है कि एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ए और ये बी, नाउ स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है तो ये कट जाएगा। ठीक है, बचेगा आपका साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, नाउ साइन थीटा का वैल्यू निकल गया आपका, नाउ इसलिए टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ आपका निकला हुआ है, देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू क्या था, देखिए तो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू ये है, तो वैल्यू पुट करते हैं कॉस थीटा का, देखिए तो वैल्यू पुट कर दिए हैं। ठीक है, तो वहाँ आपका हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू इतना, तो टेन बस टेन को इस साइड भेजेंगे तो टेन बस में आ जाएगा, टेन बस इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू इतना हो गया। अब देखिए आपका कॉस इनवर्स हमने क्या माना था, कॉस इनवर्स वाई इस वाले पार्ट को क्या माना था, थीटा के बराबर माना था। ठीक है, यानी दिस पार्ट इज इक्वल टू थीटा, और थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर, थीटा किसके बराबर है, थीटा बराबर है इसके। ठीक है, यानी ये जो है इसका भाई है। ठीक है, और ये जो है और थीटा जो है इसका भाई है, तो ये भी जो है इसका भाई होना चाहिए इन दोनों का। ठीक है, तो कॉस इनवर्स वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, तो इसके बराबर है, तो इसके जगह पे हम थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा का जगह पे हम ये लिख देते हैं, देखिए क्योंकि थीटा थीटा इज इक्वल टू इतना है, तो इसके थीटा की जगह पे हमने इतना लिख दिया, देखिए लिख दिया, और थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, इसके, तो इसके बराबर हमने इसको लिख दिया, देखिए थीटा, समझ गए, इज इक्वल टू थीटा और थीटा इज इक्वल टू ये। और ये जो आपका आया था किस कहाँ से आया था, ये वाला ये पार्ट जो है आपका क्या है, यही वाला पार्ट है, इसी को ना करके रीअरेंज करके या कहिए आपको इसको सॉल्व करके इतना लाया गया है, तो इतना इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। ये जो पार्ट था किसके बराबर था, थीटा, यानी थीटा बराबर था इसके, इतना इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम, थ्री सॉरी टू देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, टेन का फर्स्ट था ये, टेन बस एक्स प्लस टेन बस वाई इक्वल टू वन बाई टू, साइन बस इतना। ठीक है, तो गिवन है टेन बस एक्स प्लस टेन बस वाई इक्वल टू इतना, तो हम क्या कहें टू से इधर भेज दिए, तो ये हो जाएगा टू इंटू टेन बस एक्स प्लस टेन बस वाई इक्वल टू इतना। ठीक है, नाउ एलसीएस हो जाएगा आपका ये टू टेन बस एक्स प्लस टू प्लस टेन बस वाई, तो क्या कहें ये तो टेन बस एक्स प्लस टेन बस वाई का हो जाएगा, तो ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा टेन बस एक्स प्लस वाई अपन वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो देखिए टू टेन बस एक्स, अब इसको क्या कीजिए आप एक्स मान लीजिए,
टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पर हम इसको पुट करते हैं, तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स टू इंटू एक्स इजिकल टू, ये आपका पूरा टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला पर पुट कर दिया है। आगे देखते हैं, तो साइन इनवर्स टू टू एक्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, अलग अलग हम स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब हम क्या कहें, देखिए ये जो एलसीएम लिया था ये इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो नीचे वाला बचेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका ये जो कटेगा एक ये कट जाएगा, एक ये कटेगा तो बचेगा ऊपर साइन इनवर्स टू इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वन माइनस एक्स वाई, और नीचे बचेगा अभी इन दोनों का कीजिए, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो स्क्वायर किए हैं तो देखिए इसका स्क्वायर वन, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला पे है और ए प्लस बी का है, तो माइनस टू ए बी और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, इस फॉर्मूला पर हो गया। नाउ इतना हो गया आपका, इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर इतना आ गया। तो देखिए हमने क्या किया है, इसमें जो कटने वाला था वो कट जाएगा, देखिए ये कटेगा ये भी कटेगा, तो बचा आपका क्या वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इतना, ये बचा आपका। तो ये जो होगा देखिए आपका इसमें से क्या होगा, ये तो इसको एक साइड हम लिख लिए एक पेड़ में, इसमें से क्या किए हैं वाई स्क्वायर कॉमन किए, तो बचा आपका वाई स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में से हमने वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो बचा आपका वन प्लस वाई स्क्वायर, तो वन प्लस वाई स्क्वायर हो गया। हम क्या किए हैं, इन दोनों में से ए वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो बचेगा आपका वन यहाँ पे, और ये बचेगा वाई स्क्वायर, तो वन प्लस वाई स्क्वायर बचा, तो देखिए ये आपका क्या आ गया है, ये आपका आर एच एस के बराबर आ गया है, तो ये प्रूफ हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं इलेवन का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर इलेवन का फर्स्ट आपका ये है, देखिए तो एल एच एस को हम उठा लिए हैं, तो एल एच एस आपका ये है, तो एल एच एस को देखिए, देखिए ये हम क्या किया है, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या था टेन बस वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स कर दिया टेन बस वन बाई एक्स। ठीक है, तो देखिए टेन इंटू टेन बस एक्स एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका देखिए ये इतना, और यहाँ पे हमने क्या किया है, ये तो आपका है एल एच एस, फिर आपका देखिए यहाँ से हमने क्या किया है, इसमें टेन कॉट को कॉट इनवर्स एक्स को वन टेन इनवर्स वन बाई वन एक्स में चेंज कर दिया। ठीक है, ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होगा टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स, तो ये टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, अब देखिए इसको लिख दिया हमने इतना। आगे देखिए टेन इनवर्स एक्स को हमने क्या किया है कोसेक में चेंज किया था, कोसेक में चेंज कीजिएगा तो आपको लगेगा इतना। ठीक है, तो ये भी हमने लिख दिया, अब देखिए क्या लगा है कोसेक एक्स कोसेक इंटू कोस इनवर्स एक कोसेक इनवर्स, ये जो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से भी टेन और टेन इनवर्स एक्स कैंसिल होगा। ठीक है, तो बचेगा आपका यहाँ पे क्या अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ बचेगा वन अपॉन एक्स, माइनस साइन था तो माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो आपका एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, नाउ अब ये जो हम क्या करते हैं टू टेन बस एक्स, ये टू टेन बस इसको क्या कीजिए एक्स मान लीजिए, तो टू टेन बस एक्स का फॉर्मूला पे हम इसको एक्सपेंड करते हैं, टू टेन बस एक्स का फॉर्मूला होता है टेन बस टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, टेन बस टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, टेन बस टू एक्स इतना हो गया अपॉन इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इतना इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस इस वाले का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर उठकर ऊपर चला जाएगा, देखिए आगे होता है ये चला जाएगा ऊपर ऊपर जाएगा, देखिए ऊपर जाएगा तो आपका देखिए यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है एक है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो कटेगा तो बचेगा सिर्फ वन एक्स, तो देखिए सिर्फ बचा है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसका क्या किए हैं हम एक्सपेंड किए हैं यहाँ पर, देखिए एक्स स्क्वायर इसको ए माइनस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको एक्सपेंड किए हैं। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसको इतना हो जाएगा एक्सपेंड कीजिएगा तो टेन इनवर्स टू इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं साइन से, तो ये सबका साइन चेंज होगा, तो देखिए साइन चेंज हो गया है, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा टू इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स, इसमें बचेगा यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल ये भी कैंसिल, ठीक है तो माइनस टू और प्लस टू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो टू इसको पॉजिटिव था तो ले लिया माइनस टू,
फेस में इसका क्या, हमने नीचे से दो कॉमन कर लिया तो ये बचा था नीचे में अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन ए ऊपर मतलब एक्स। तो ये देखिए ए पार्ट एक पार्ट कट जाएगा तो बचेगा टेन बस एक्स, जो कि टेन बस एक्स बचा है जो कि आपका एलसीएस है, अप्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 का 2 देख लीजिए, कॉस टेन बस साइन कॉटन बस एक्स इक्वल टू इतना प्रूव करना है। तो हमने क्या किया है, कॉटन बस एक्स को साइन बस एक्स में चेंज किया तो आपका हो जाएगा कॉटन बस एक्स इक्वल टू साइन बस वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यह तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस टेन बस वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या किया, टेन बस वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर को कॉस में चेंज कर दिया, ठीक है। तो कॉस में चेंज किया तो आपका कॉस में इतना आ गया। अब देखिए कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका ये आपका एडजस्ट है, देखिए कॉटन बस एक्स इक्वल टू होता है आपका साइन बस वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन बस वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर कुछ कॉस में चेंज किए थे तो आपका आया था इतना, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे सॉल्व किया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।